हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी वाली वीजे अमन, जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि दिखाती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खबरें सुनाई हैं, लेकिन अब ये खुद एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुकी हैं, बहुत बड़ी टीवी पर्सनालिटी हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं KYC यानी नो योर सेलिब्रिटी पर शेफाली बग्गा। शेफाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। 2016 में आपने इंडिया टुडे का टेस्ट चैनल ज्वाइन किया। यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ रिपोर्टर ओवर देयर, एंड वहां से लेकर बिग बॉस तक की जो आपकी जर्नी रही, जो आपका सफर रहा, वो पूरे देश ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा। आप करोड़ों लोगों के दिलों में पहले से तो बसी थी, और भी ज्यादा बस चुकी थी लोगों के दिलों में बिग बॉस के दौरान। और वो सफर बहुत रंगीन था, बहुत अच्छा था, सबने देखा। और बिग बॉस का घर हर किसी को थोड़े वक्त के लिए मिलता है, और उसके बाद जब आप वहां से बाहर आई, आपकी क्या सोच थी चीजों को लेकर? क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आया? कैसे आप कुछ होगा, कुछ विजन चेंज या कुछ चीजों को देखने का नजरिया आपका जरूर बदला होगा, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अभी तक खबरें सुनाती हूँ, या फिर जब हम एंटरटेनमेंट की स्टोरीज करते थे या फिर फीचर स्टोरीज करते थे, तो मैं चीजों के बारे में, लोगों के बारे में बताती थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं गई, तो लोग जो मुझे पहले से जानते थे कि ये एंकर है और ये खबर सुनाती है, उनको मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, मैं कैसी हूँ, वो जानने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए एक टेबल टर्न हो गई। एंड देन उसके बाद अफकोर्स इतना ज्यादा प्यार मिला, बिकॉज अब देखिए, ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में क्या विदेश में इतना ज्यादा देखा जाता है, एंड ओवरसीज भी इतनी प्यारी ऑडियंस मुझे मिली है। आज भी जब सोशल मीडिया में खोलती हूँ, तो मुझे कभी लोग कहते हैं लव फ्रॉम कैनेडा, लव फ्रॉम कराची, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग जुड़ गए हैं साथ में। तो सी, जब मैं एक एंकर थी, तब भी मेरा सर्कल बड़ा था, लेकिन उस सर्कल को और ज्यादा बड़ा कर दिया है बिग बॉस ने। अब लोग ये जानते हैं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, लाइफ बिल्कुल बहुत ज्यादा बदली है। ऑफकोर्स एक तो फैंस का इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है, उसके अलावा भी अभी काफी सारी चीजें लाइंड अप है, क्योंकि आई थिंक मैं इकलौती रहती थी इस सीजन में, या फिर आप कह लो कि एंकर जो मैं बिग बॉस के शो में गई हूँ, एंड उसके बाद मैंने अपनी एक तरीके से स्ट्रीम ही चेंज कर ली। सो आई एम प्लानिंग टू डू अ लॉट मोर थिंग्स, नॉट इनटू एंकरिंग बट इनटू एक्टिंग नाउ। तो अभी क्या आपको हमारी जो ऑडियंस है, वो आपको किस तरह के आने वाले प्रोजेक्ट्स में देख पाएगी फ्यूचर में? आई एम प्लानिंग फॉर म्यूजिक वीडियोस, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर वेब सीरीज, एंड अगर कोई मूवी मेरे हाथ अगर अच्छी स्क्रिप्ट लगती है, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट। मैं कुछ लोगों से बात कर रही हूँ, सो लेट्स सी। फिलहाल अभी तो लॉकडाउन ने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया सबकी लाइफ में, लेकिन आई थिंक बहुत जरूरी भी था घर पे रुकना, बट जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, तो वी'ल गेट बैक टू वर्क। जहां पर शेफाली बग्गा नाम सुनने को मिलता है, वहां पर दिमाग में एक छवि आती है फिटनेस फ्रीक की। लोग आपको एक फिटनेस फ्रीक के मैं कहूंगी आइकॉन की तरह देखते हैं। बहुत लोग दावा करते हैं फिटनेस फ्रीक होने का, लेकिन फिटनेस फ्रीक आपकी पर्सनालिटी पर आपके अंदर से झलकता है। और अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, वो नहीं अपना फिटनेस जिम जा पा रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए आप क्या फॉलो करती हैं, एक तो वो ये जानना चाहते हैं, और उन यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि वो अपनी फिटनेस को कैसे आगे कंटिन्यू रखें? क्योंकि आप 2012 में क्लीन एंड क्लियर का भी आप उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, एंड यू वर देयर इन द टॉप 11। सो पीपल एक्चुअली वांट टू नो हाउ दे कैन मेंटेन देयर फिटनेस इन दिस COVID-19। सी, मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ हर प्लेटफॉर्म पर कि मैं फिटनेस को एक ट्रेंड नहीं लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि कोई चैलेंज सोशल मीडिया पर आ जाता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, या फिर लोग जिम जाते हैं लेकिन फिर भी अपना डाइट मेंटेन नहीं करते हैं। तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज फिटनेस, जैसे मैंने बोला कि इज नॉट अ ट्रेंड, इट इज अ लाइफस्टाइल। अगर आप अपना उसको लाइफस्टाइल बना लोगे, देन आई थिंक हेल्दी माइंड डwells इन अ हेल्दी बॉडी, हम कहते हैं ना, सो दैट विल डेफिनेटली हैपन। आई जस्ट फॉलो अ बेसिक रूटीन, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मिनिमम हाफ एन आवर एक्सरसाइज जरूर करूँ, एंड आई यूजली टेक 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली।
एंड मैं वो मेंटेन करके रखती हूँ. लेकिन अगर कभी होता है कि जैसे हम घूम रहे हैं या फिर हम शूट पे हैं तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर रात हो जाती है. देन ऑल्सो आई ट्राई टू मेंटेन माई डाइट उस अकॉर्डिंग कि आज अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की है तो मैं डाइट फॉलो करूंगी. बिग बॉस के बहुत सारे क्लिप्स में, हाँ ऑब्वियसली आसिम को बहुत ज्यादा जिम फॉलो एंड ये सब कुछ करते हुए दिखाया, बट आई ऑल्सो यूज टू डू जिम और मेरा भी बहुत ज्यादा विजुअल्स चले हैं इन कंपेरिजन टू एवरीबडी एल्स. मतलब आई थिंक आसिम और मेरे ही जो जिम वाले विजुअल्स थे वो बहुत ज्यादा चले हैं बिग बॉस के घर के अंदर, एंड तभी से लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपके फिटनेस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं. तो एक तो वो, लेकिन उसके बाद भी जब लॉकडाउन भी हुआ, जैसे कि आपने बोला कि जिम बंद हो गए तो कैसे करे, आई हैव मेंटेन कि मैं घर में ही एक्सरसाइज करूँ, जो नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज होती है वो करूँ. कुछ दिन मैंने साइकिलिंग भी स्टार्ट करी थी. सो ये कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं. घर पे योगा हो सकती है तो योगा कर सकते हैं. कुछ नहीं करना है अगर आपके पास योगा मैट नहीं भी है तो अपने मैट पे लाई डाउन करके यू कैन डू बेसिक योगा. कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 15-15 मिनट के बहुत सारे सेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. एंड बस, एंड डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन में बिग बॉस से लेकर उसके बाद मैंने काफी वेट रिड्यूस किया है, लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg. क्योंकि स्क्रीन पर सब कुछ इंचेस मोटे लगते हैं, कुछ इंचेस हेवियर लगते हैं. सो इट वॉज वेरी नेसेसरी कि अगर मैं इसको अपना फ्यूचर देख रही हूँ तो मुझे अपना वेट रिड्यूस करना था. ऑल्दो लोग मुझे यही बोलते थे कि तू पंजाबी है लेकिन तू लगती नहीं है क्योंकि तू इतना खाती नहीं है, बट देन और तू पतली भी है. बट मैंने और रिड्यूस किया तो लोग को काफी मोटिवेशन भी मिला इसी चीज से. बस आई जस्ट आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि बस मोटिवेटेड रहो एंड ईट हेल्दी. राइट, मुझे लगता है हेल्दी खाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन होता है कि डाइट का मतलब होता है कि आप यू नो खाना ही छोड़ दो. खाना छोड़ दो, नो इट इज नॉट. हेल्दी खाओ, बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीजें होती है जो आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी डाइट में टू मेंटेन योर फिटनेस. हमें पता लगा है शेफाली कि आप एक वेगन है और आपको वेगन डिशेस बहुत पसंद है. क्या ये सच है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? नहीं नहीं, ये एक अफवाह है. आई एम नॉट अ वीगन, बट मैं बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सब कुछ खाती हूँ. आई एम नॉन वेजिटेरियन बाय द वे, बट मैंने छोड़ा हुआ है काफी टाइम से. बट कभी कभी जैसे यू नो हम ट्रैवल करते हैं एंड देन नहीं कुछ इतना खाने को मिलता है, एंड आई हैव नॉन वेज ऑल्सो, बट आई एम अ वेजिटेरियन, नॉट अ वेगन. ओके, तो ये अफवाह हमें काफी सुनने को मिली थी, अब इसका पर्दाफाश हो चुका है बाय शेफाली. शेफाली, आपकी लाइफ के बारे में मुझे पर्सनली 3 चीजें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है और हमारे यूथ को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है. पहली चीज, आप इंस्पायर करती हैं उन बच्चों को जो मास कम्युनिकेशन करके एक न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं. दूसरा, जो बच्चे यूट्यूबर आज का यूथ बनना चाहता है उनके लिए भी आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. और तीसरे, वो लोग जो बिग बॉस में जाना चाहते हैं, जो यूथ है, जो स्पेसिफिकली जो कॉमनर्स हैं आउटसाइड द इंडस्ट्री हैं वो लोग. तो हम आज ये जानना चाहते हैं कि आप अब साक्षात यहाँ पर हैं तो हमने सोचा ये 3 चीजें आपसे ही समझ ले ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू करें आपका, जो यूथ है उनको आप गाइड कर सके. तो हम, मुझे लगता है एक एक करके अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं. ओके, सी आई विल स्टार्ट विद जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर अभी जो लोग कॉलेज में जो कंफ्यूज है कि हमें एंकर रिपोर्टर बनना है लेकिन हम क्या करें. सो बेसिक है, सी आई एम अ पर्सन जिसने एक्चुअली मैं मास कम्युनिकेशन से शुरू नहीं किया था. आई वॉज द वन, आई वॉज डूइंग इंग्लिश ऑनर्स, मैं साइंस स्टूडेंट थी देन. तो कोई भी होप लूज ना करे, जिसको आगे इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है. मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैंने साइंस छोड़कर इंग्लिश ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ मैंने मास कम्युनिकेशन की यू नो इंटर्नशिप्स करी थी. मैं इंटर्नशिप मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में करी थी, मैंने इंडिया टुडे में करी थी. सो उसके दौरान मुझे समझ में आया कि दिस इज अ प्लेस आई वॉन्ट टू गो, मतलब ये मुझे करना है आगे फ्यूचर में. देन उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे 3 ग्रेजुएशन खत्म हो गया है एंड मैंने इंटर्नशिप से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, एक मैंने वोकेशनल कोर्स भी किया था लैंग्वेज का जिसमें मैंने स्पेनिश सीखी थी, फ्रेंच मैंने स्कूल में सीखी थी, बहुत सारी चीजों के बाद मैंने सोचा कि नाउ आई थिंक आई शुड गो फॉर अ यू नो
स्पेसिफिक कोर्स इन मास कम्युनिकेशन, तो मैंने मास कम्युनिकेशन के कॉलेज से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया. अब जो कि आपका सवाल था कि मास कम्युनिकेशन के बाद जिनको रिपोर्टर बनना है वो क्या करे, जिनको एंकर बनना है वो क्या करे, सी बेसिकली सबसे पहले तो यू एवरीबडी जो सुन रहे होंगे उनको ये समझना है कि रिपोर्टर और एंकर इज अ सेकेंडरी थिंग. पहले आपको एक जर्नलिस्ट बनना है. और आप जर्नलिस्ट पत्रकार कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो जब आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पे आप पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में कैसा होता है, बट ट्राई टू इम्प्लाई इट इन योर पर्सनल लाइफ. जैसे अब तो ट्विटर हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर आपको लिखना पसंद है आप लिखिए, लेकिन आपका एक व्यू पॉइंट होना हर टॉपिक पे बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मास कम्युनिकेशन आपने किया है, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो. सो जस्ट पुट योर थॉट्स आउट. धीरे धीरे जब यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अप किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो नॉर्मल घर आपके गली के अंदर कुछ हुआ हो उसके बारे में आप बोलेंगे, जानेंगे, अवेयर होंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, तो वो जो जर्नलिज्म का कीड़ा है ना वो आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. देन आई थिंक चीजें इजियर हो जाएंगी. जिनको रिपोर्टर बनना है उनको तो स्पेशली ये करना चाहिए, क्योंकि जो लोग डेस्क पर काम करते हैं वो तो बहुत तरीके का काम होता है, वो वीडियो एडिटिंग होती है, वो सब कुछ, उन सबके कोर्सेज होते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं उन सबके कोर्सेज, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जिनको स्पेसिफिकली रिपोर्टर बनना है उनको खबर लेकर आनी है, उनको खबर के बारे में बताना है लोगों को, अपनी बात पहुंचानी है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, तो आई थिंक वो जो आपका रास्ता है वो आसान हो जाएगा. Then, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, यू अप्लाई फॉर अ जॉब. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इंटर्नशिप जरूर कर लें कहीं पर, क्योंकि मैक्सिमम आप कहीं पर जॉब लेने भी जाते हैं तब देन दे विल आस्क फॉर एक्सपीरियंस, या फिर कहेंगे आप हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल इंटर्न लग जाओ. सो वो एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब आप एक्चुअली में एक न्यूज चैनल में जाके या फिर एक रेडियो स्टेशन पर जाकर या फिर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेन एक्सपीरियंस. सो वो रास्ता आपका आसान हो जाएगा. कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, यूट्यूब चैनल. सी मैंने यूट्यूब चैनल अपना मजे मजे में शुरू किया था. मैं घूमती बहुत हूँ, मुझे बहुत शौक है, मुझे फैशन का बहुत ज्यादा कीड़ा है, तो बस मैंने अपनी फैशन वीडियो से स्टार्ट किया. देन फिर मैं दो तीन जगह पर घूमने गई थी, वहां के मैंने ब्लॉग्स डाले, थोड़े फन ब्लॉग्स भी डाले, एंड देन मैंने कुछ ब्लॉग्स डाले थे उसके बाद. एंड देन फिर थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, बिकॉज ऑब्वियसली एक न्यूज अंकल की जॉब इज नॉट दैट इजी, सो आई वाज वेरी बिजी इन माय रूटीन. तो जब मैं कभी वेकेशन पे जाती थी, ट्रिप पे जाती थी, मेरे पास टाइम होता था, तो मैं अपलोड किया करती थी यूट्यूब पर. देन लेकिन जब मैंने बिग बॉस किया उसके बाद में आई, तो बिग बॉस की सारी खुफिया खबर मैंने उसके अंदर डाली, उस अपने यूट्यूब चैनल में डाली, एंड लोगों ने काफी पसंद किया. और अभी भी इनफैक्ट जब बिग बॉस का अगला सीजन शुरू होगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ इसी तरीके का अपने यूट्यूब पर या फिर अपने इंस्टाग्राम पर जरूर डालूंगी. एंड कुछ चीजें लाइन अप है अभी जो कमिंग सीजन है उससे जुड़ी, जो आई थिंक मेरे थ्रू ही वो सारे खुलासे होंगे. तो आई विल बी यू नो पार्ट ऑफ, मतलब इन एसोसिएशन विद कलर्स ऑब्वियसली, तो हम लोग बहुत सारी चीजें यू नो बताएंगे. सो वुड बी ऑन ईदर ऑफ माई सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और यूट्यूब. सो लोगों को जिनको करना है, बस अब आपको ये देखना है कि अगर आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है या फिर आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव. एंड जो लोग अलग जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश करो कि वो करो. वैसे हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, तो आप जो सोचोगे, आप सोचोगे कि चलो मैं कुछ अपलोड करती हूँ मेकअप वीडियो प्रोफ पे, तो मेकअप के आपको हजारों लाखों वीडियोज करोड़ों वीडियोज मिल जाएंगे. बट अगर आपका वो पैशन है तो आप डेफिनेटली वो करिए धीरे धीरे धीरे. जब आप वो करते रहेंगे, डोंट लूज होप इन द बिगनिंग, बट जब आप करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिलेंगे जिससे आपका एक्सपीरियंस एंड आपका कनेक्टिविटी बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बढ़ जाएगी. सो इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट बेसिकली. तो वो स्टार्ट कर सकते हैं. What was your third question? Sorry. Third question था, जो लोग बिग बॉस में जाने, ये सवाल मुझसे सब पूछते हैं यार. I'm so sorry, but मैं सवाल
स्पेशली अब मैं पूछने वाली हूँ कलर्स वालों से कि जो कॉमनर्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, क्योंकि मुझे आई सीरियसली डोंट नो अबाउट इट. मुझे कॉल आया था एंड देन वो धीरे धीरे प्रोसीजर हुआ एंड देन आई वेंट इनसाइड, क्योंकि बहुत राउंड्स ऑफ यू नो वीडियो कॉलिंग होती है उनके टीम के साथ, जिसमें वो बस आपकी पूरी पर्सनालिटी जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी घर के अंदर तो आप क्या करने वाले हो. सो दिस अ लॉन्ग प्रोसेस जो चलता है एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज लूप के अंदर होते हैं, तो उनमें से वो कुछ लोगों को लेकर आते हैं कि ये पर्सनालिटी हमें इस बार के शो में चाहिए. लेकिन कॉमनर्स के साथ भी बिल्कुल सेम होता है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पर्सनालिटीज चाहिए होती है घर के अंदर. उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो यू नो लीड करे, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो लड़ाई करे, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो रोए, उन्हें ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कॉमेडी करे. तो उनको डिफरेंट पर्सनालिटीज चाहिए होती है. सो अगर आप में वो है तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं जल्द बता पाऊँ कि कैसे कॉमनर्स जाते हैं. बिकॉज सी जहाँ तक मुझे पता है रोडीज वगैरह के तो ऑडिशन होते हैं, वो बताते हैं MTV पर कि इस डेट को इस सिटी में ऑडिशन होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि बिग बॉस ऐसा नहीं करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है. बट जो भी क्राइटेरिया होता है मैं आई विल मेक श्योर दैट मैं बता पाऊँ एंड आई होप दैट मैं जल्दी बताऊँ. आप मुझे बता दो कि फॉलो कर ले या क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर ले, व्हाटएवर, यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन देयर आल्सो. बिल्कुल. तो शेफाली, हमने सुना है कि आपको जब बिग बॉस की तरफ से ऑफर आया था तो आई थिंक आपको इंस्टाग्राम के ऊपर DM किया गया था बिग बॉस के ऑफर के लिए. यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हर जगह पर उनकी जो टीम होती है, जो इनिशियल जो होते हैं, उन्होंने भेजा तो था, बट यू नो इतने मैसेजेस होते हैं, मैंने सीरियसली ध्यान नहीं दिया. एंड अगर मैं ध्यान दे भी देती ना तो मुझे लगता कि ये फेक है, तो मैं ध्यान दे के भी उसको इग्नोर कर देती कि ये कौन है ना. सो मैंने तब नहीं ध्यान दिया, बट अ वेरी सीनियर पर्सन इन माई ऑफिस केम अप टू मी एंड उन्होंने मुझे बताया कि कलर्स वाले आर लुकिंग टू टॉक टू यू, प्लीज आप एक बार इनसे बात करिए. तो मैंने बात की एंड देन दे अप्रोच. आपका पहला रिएक्शन क्या था जानने के बाद? पहला रिएक्शन मेरा ऑब्वियसली था कि व्हाट आर यू सीरियस, मतलब बाय, मतलब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, है ना. मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि नो यार, पता नहीं यार, हाँ यार, मतलब मैं कंफ्यूज थी, हाँ भी ना भी, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या, मतलब बिग बॉस इज अ वेरी बिग थिंग, तो मैं ना भी नहीं कह सकती हूँ और मैं ना कहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं हाँ कैसे कह दूँ. सो बहुत कंफ्यूजन थी, बट आई टुक सम टाइम एंड बहुत क्लैरिटी होने के बाद देन आई थॉट कि मेरे को ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा था, बिकॉज दो कॉन्ट्रैक्ट्स मैं साथ में नहीं कर सकती थी. सो दैट वाज अ थिंग. जी, तो बिग बॉस के बारे में जैसे आपने बताया कि काफी राउंड्स और वीडियो कॉलिंग्स के थ्रू होता है, यू नो दे गेट टू नो अबाउट यू, तो क्या आप ये हमें बता सकती हैं कि कितने एक्चुअली में कितने राउंड्स होते हैं, क्योंकि हर बंदा क्यूरियस होता है ये चीजें जानने के लिए. इतने राउंड्स आप लगा लो नंबर्स में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो राउंड्स में क्या होता है वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे कि राउंड्स एज इन नहीं होते हैं. इट्स जस्ट दैट उनकी जितनी भी कलर्स में बहुत सारे लोग हैं, तो जितने भी सीनियर्स हैं दे जस्ट टॉक टू यू, आपको या तो मिलते हैं, बिकॉज अभी तो लॉकडाउन था तो आई थिंक वीडियो कॉलिंग हो रही होगी, बट इनिशियली मेरे से वीडियो कॉलिंग हुई थी, देन आई जस्ट वेंट टू बॉम्बे एंड मेरी एक मीटिंग हुई थी, एंड देन बहुत तरीके की बातें होती है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर. आप एक जना क्रिएटिव से होता है, एक जना चैनल से होता है, बट देन एक ग्रुप कॉलिंग होती है, देन आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए होती है, देन सिचुएशंस के लिए होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देन आपका टाइम लेने के लिए होती है कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हैं. सो बहुत सारे डिस्कशंस होती हैं. सो नंबर्स तो नहीं पता, बट क्या क्या होता है वो मैंने बताया, बताने की कोशिश की है. बिल्कुल. तो शेफाली के परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन अभी हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, मतलब माय मॉम, डैड, मी एंड माय ब्रदर, हम लोग चार एक घर के अंदर रहते हैं. बट मेरी फैमिली वैसे बहुत बड़ी है एंड मेरे दो चाचू हैं, उनकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, दादी हैं, सो अ बिग फैमिली. जी. और आपकी एस्पिरेशंस बहुत लोग जानना चाहते हैं, हमें जब हमें हमने लोगों को बताया दैट शेफाली इज कमिंग, सो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पुट अप था बाय द फैंस वो यही था, वी वांट टू नो अबाउट योर एस्पिरेशंस. See, I don't plan for very, very long-term goals. I'm a person जो मैं present में जीती हूँ और मुझे ये पता है कि आज अभी next क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला है.
मैं बहुत बात का नहीं सोचती हूँ ना, मैं बहुत बात का कुछ प्रॉमिस करती हूँ खुद से भी या किसी और से भी, बट देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मूवीज, वेब सीरीज, सॉन्ग. इन फैक्ट जो वो जो एंकरिंग की जो कीड़ा अभी भी है मेरे अंदर, आई डोंट वांट टू लूज दैट ऑल्सो. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यू शोज, लाइक होस्टिंग फ्यू शोज एज वेल. मिक्सचर, मुझे सब कुछ करना है लाइफ में यार, क्यों ना करें. बिल्कुल. आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी आपसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज के बारे में पूरे देश ने बिग बॉस के अंदर देखा, लेकिन एक ऐसा सीक्रेट जो आप बताने में कंफर्टेबल हो, जो शायद बहुत कम लोग जानते हो, अगर आज वो हमारे शो पे आप एक्सक्लूसिव एक शेफाली का खुलासा कर दें. अच्छा, एक खुलासा है क्योंकि वो मेरी ऑडियंस ने देखा होगा. बहुत सारी ऑडियंस जो नई अभी जुड़ रही है हमारे साथ, उन्होंने शायद ना देखा हो, क्योंकि वो मैंने हर जगह नहीं डाला था, सिर्फ अपने YouTube पर डाला था. तो जब मेरी एंट्री हुई थी घर के अंदर हो रही थी, इनफैक्ट जब सबकी एंट्री हो रही थी, जब डे वन था, सो स्टेज पर जाने से पहले हम सबकी एक एक वीओ रिकॉर्ड होता है, तो सबका वीओ रिकॉर्ड होता है, हमारा भी वीओ रिकॉर्ड हुआ था. बट वो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा स्क्रीन स्पेस काफी हो गया था, क्योंकि हमने गेम्स भी खेली थी, बहुत सारी चीजें थी एंट्री होने से पहले, तो वो चीज नहीं दिखाई थी, बिकॉज वहाँ पे लाइटिंग भी कम थी और एक दिन पहले बारिश आ गई थी. तो आई वॉज सपोज टू, बिकॉज आई वॉज द ओरिजिनल खबरी ऑफ द बिग बॉस, सो आई वॉज सपोज टू रिवील के बिग बॉस में किस तरीके से खुफिया रखी जाती है सारी चीजें. कंटेस्टेंट्स को ना एक नाम से पुकारा जाता है, जैसे मेरा नाम था खबरी, ठीक है, शहनाज का नाम था हीर, पारस का नाम था आई थिंक प्रिंस और समथिंग, या शनास का नाम था गीत, कुछ ऐसे सबके नाम होता है. मैं भूल रही हूँ, एक साल ऑलमोस्ट होने को आ गया, अगला सीजन आने वाला है, बट इस तरीके के नाम थे सबके. एंड माहिरा का नाम था डीवा, और बहुरानी नाम था देवलीना का. सो ऐसे बहुत तरीके के नाम थे. देसी कुड़ी नाम था रश्मि का, अबू मलिक का नाम था एकॉन. So, ये कोड नेम से सबको बुलाया जाता था. एंड हमारी वैनिटी के बाहर भी वो कोड नेम लगे होते थे, ताकि कोई भी ये इंफॉर्मेशन बाहर ना दे सके कि ये कंटेस्टेंट अभी जा रहा है. सो दिस वॉज समथिंग जो बहुत लोगों को अभी नहीं पता है, दिस वॉज वन ऑफ अ सीक्रेट जो नहीं जानते काफी लोग. जी जी. तो शेफाली, आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी हैं, और बहुत सारे वीडियो जॉकीज को, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स को, एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज, लेकिन आज इंडिया की यंगेस्ट वीडियो जॉकी को इंटरव्यू देते हुए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई रियली लव कनेक्टिंग विद पीपल हु आर यंग एंड हु आर सो टैलेंटेड एंड वांट टू डू मोर एंड मोर इन लाइफ. एंड आई ऑल्सो विश यू अ बिग गुड लक, एंड आई जस्ट होप के ये इंटरव्यू तो अच्छा जाए. इनफैक्ट इसके बाद भी आगे जितने भी इंटरव्यूज हैं सारे बहुत अच्छे जाए. एंड हम मिलेंगे एक बार, आप सून, व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली एंड और यू कम टू बॉम्बे, डू लेट मी नो, या फिर मैं वहां आऊंगी तो आई विल डेफिनेटली. आप चंडीगढ़ आइए, आप हमारे मेहमान हैं. थैंक यू सो मच शेफाली फॉर ज्वाइनिंग इन आवर शो, नो योर सेलिब्रिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.